हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू ट्रस्टिफाइड इंडिया फर्स्ट एंड ओनली 100 परसेंट ब्लाइंड टेस्टिंग सर्टिफिकेशन प्रोग्राम और आज के रिव्यू वीडियो में हम जो है रिव्यू करेंगे मैक्सनर वेलनेस प्रो वे एक्स तो बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट थी कि बहुत सारे ब्रांड्स आप ऑलरेडी कवर कर चुके हैं तो प्लीज़ मैक्सनर वेलनेस को भी कवर कर दीजिए तो हमने इसके दो बॉक्सेज जो है कंपनी के ही वेबसाइट से ऑर्डर किया अच्छा जब हमने ऑर्डर किया था तो बाई वन गेट वन फ्री का ऑफ़र चल रहा था इसलिए हमने दो अलग अलग अनोनीमस आई का ना इस्तेमाल करके सिर्फ एक ही अनोनीमस आई से ऑर्डर प्लेस किया था और बाई वन गेट वन था तो दो बॉक्सेस हमें एक ही ऑर्डर में मिल गए थे और जैसे ही प्रोडक्ट जो है हमें रिसीव हुआ था हमने उसका अनकट अनबॉक्सिंग वीडियो शूट कर लिया था जिसमें हम लोग आपको ये दिखाते हैं कि जो सेम बैच नंबर का प्रोडक्ट हमें मिलता है वही सेम बैच नंबर का प्रोडक्ट हम जो है लेबोरेटरी में देते हैं टेस्टिंग के लिए तो ये हमारा 100 परसेंट ब्लाइंड ऑर्डर प्रोसेस हुआ अगर आप हमें गलत साबित करते हैं तो हम आपको एक साल का सप्लीमेंट स्टैक फ्री देते हैं और वो इसलिए क्योंकि हम ब्लाइंड ऑर्डर अगर करते हैं तो ब्लाइंड ऑर्डर ही करते हैं ठीक है तो एनी अब हम जो है आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस ब्रांड के इंट्रोडक्शन के बारे में तो ये जो ब्रांड है मैक्सनर वेलनेस इसकी जो पेरेंट कंपनी है वो है के डी केम फार्मा की डी कैम फार्मा जो है वो ईयर 1996 से जो है इस्टेब्लिश है और ये जो है के डी केम फार्मा ये न्यूट्रास्यूटिकल सप्लीमेंट्स मैनुफैक्चरिंग करते हैं तो ये सप्लीमेंट्स मैनुफैक्चर करते करते इन्होंने अपना खुद का ब्रांड ओपन कर लिया है जो कि है मैक्सनर वेलनेस तो ये ब्रांड के बारे में बहुत ही ब्रीफली हमने बात कर ली है अब हम क्विकली जम करते हैं और बात कर लेते हैं इस प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स के बारे में भी तो इन्ग्रीडियंट्स की लिस्ट आप लोगों को मेरे स्क्रीन पर दिख रही होगी कंपनी का ऐसा कहना है कि इसमें जो पर स्कूप आपको 30 ग्राम प्रोटीन मिलता है वो वे प्रोटीन 82 परसेंट और वे पेप्टाइड से डिराइव किया गया है वे प्रोटीन 82 परसेंट यानी कि वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट ही हुआ तो इन दोनों सोर्सेस से जो है आपको इसमें 30 ग्राम प्रोटीन पर सर्विंग दिया गया है एक चीज़ और कंपनी यहाँ पर आपको एडिशनल क्रिएटीन मोनोहाइड्रेट भी इसमें डाल के देती है क्योंकि कंपनी के न्यूट्रिशनल फैक्ट्स में लिखा है कि इनका जो एक सर्विंग स्कूप है उसमें आपको 30 ग्राम्स प्रोटीन के साथ साथ 2.5 पॉइंट फाइव ग्राम्स माइक्रोनाइज क्रीटीन भी मिलता है और बात कर लेते हैं फिल्ट्रेशन मेथड की तो आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं इसमें मौजूद वे प्रोटीन को फ़िल्टर किया गया है एक नेचुरली फ़िल्ट्रेशन मेथड से ठीक है गैज़ अब हम जो है क्विकली आगे बढ़ते हैं और कवर कर लेते हैं इस प्रोडक्ट के जो है लैब रिज़ल्ट के बारे में भी तो हमारी लेवल वन टेस्टिंग जिसमें हम मैक्रो एक्यूरेसी को जांचते हैं उसके बारे में हम सबसे पहले बात करते हैं तो कंपनी का ऐसा कहना है कि ये आपको 72 परसेंट प्रोटीन यानी कि पर स्कूप जो कि 41.5 ग्राम ग्राम्स की है उसमें ये आपको 29 नाइन ग्राम्स प्रोटीन ऑफर करते हैं हमारे लैपटस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इसमें प्रोटीन परसेंटेज पाया गया है 77.71 परसेंट जो कि हुआ 32 टू ग्राम्स प्रोटीन पर सर्विंग अब ये ज़्यादा क्यों पाया गया है देखिए यहाँ पे ज़्यादा पाने का जो मेन मतलब है वो इसलिए है क्योंकि इस सप्लीमेंट में क्रिएटीन भी एडेड है और क्रिएटीन एक नाइट्रोजनस कंपाउंड है इसलिए जब भी नाइट्रोजन कंटेंट के थ्रू प्रोटीन टेस्टिंग होता है तो क्रिएटीन भी उसमें अपना हिस्सा जो है कंट्रीब्यूट कर देता है क्रिएटीन भी नाइट्रोजन फैक्टर में कंट्रीब्यूट कर देता है इसीलिए प्रोटीन इनके लेवल को जस्टिफाई करता है या नहीं ये जानने के लिए हम आगे अमीनो एसिड प्रोफाइल को देखेंगे ठीक है अभी हम कार्बोहाइड्रेट्स फ़ैट्स और एडेड शुगर की बात कर लेते हैं तो कार्बोहाइड्रेट कंपनियाँ कहना है इसमें कि वो देते हैं आपको पर सर्विंग 1.8 पॉइंट ग्राम्स हमारे लैपटस रिजल्ट के अकॉर्डिंग वो पाया गया है 5 ग्राम लगभग 3.2 ग्राम कार्बोहाइड्रेट पर सर्विंग ज़्यादा पाया गया है फैट्स की बात करें फ़ैट कंपनी जो क्लेम करती है और हमारे लैपटस रिजल्ट में जो पाया गया है वो सेम है तो फ़ैट इनका एकदम एक्यूरेट पाया गया है ठीक है अब बात कर लेते हैं एडेड शुगर की भी तो एडेड शुगर कंपनी का कहना है कि इसमें जीरो ग्राम एडेड शुगर है और हमारी लैपटॉप रिजल्ट भी ये जस्टिफाई करती है कि इसमें एडेड शुगर जो है जीरो ग्राम ही है मतलब इसमें शुगर एडेड नहीं है अब हम जो है बात कर लेते हैं लेवल टू टेस्टिंग के बारे में जो कि है अमीनो एसिड प्रोफाइल तो आप डिटेल्ड अमीनो एसिड प्रोफाइल मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं अमीनो एसिड प्रोफाइल में क्रिएटिन टेस्ट नहीं होता है ठीक है तो क्रिएटिन क्योंकि इसमें एक्सक्लूड किया गया है इसलिए इस अमीनो एसिड प्रोफाइल को देख के हम ये बोल सकते हैं कि इसमें क्लेम किया हुआ प्रोटीन कंटेंट लेबल को जस्टिफाई करता है हमारे लैब टेस्ट रिपोर्ट के अमीनो एसिड प्रोफाइल के अकॉर्डिंग जो कंपनी इतना प्रोटीन क्लेम करती है लेबल में आपको उतना ही मिलता है ठीक है तो इसमें क्रिएटिन स्पाइकिंग नहीं की गई है अब हम बात कर लेते हैं लेवल थ्री टेस्टिंग के बारे में जो कि मेलामाइन स्पाइकिंग की होती है तो मेलामाइन इसमें बिलो एल ओ क्यू पाया गया है दैट मीन्स ये मेलामाइन स्पाइक्ड भी नहीं है बात कर लेते हैं लेवल फोर टेस्टिंग के बारे में तो इसमें मौजूद हैवी मेटल्स या फिर बिलो एल ओ क्यू या फिर इन लाइन विथ एल ओ क्यू डिटेक्ट हुए हैं तो ये दर्शाता है कि ये जो प्रोडक्ट है हमारे चारों लेवल के टेस्टिंग को पास करता है इसलिए ये एक ट्रस्टिफाइड सर्टिफाइड प्रोडक्ट हुआ अब जो है क्योंकि ये एक टस्टिफाइड सर्टिफाइड प्रोडक्ट हुआ इसलिए हम सर्विंग साइज एक्यूरेसी मिक्सबिलिटी टेस्ट पॉजिटिव नेगेटिव इन सब के बारे में भी बात कर लेते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं सर्विंग साइज एक्यूरेसी की कमियाँ कहना है कि इनका एक स्कूप हीपिंग स्कूप है फोर्टी वन पॉइंट फाइव ग्राम्स का और हमारे किचन विंग स्केल में वो लगभग एक्यूरेट पाया गया है बात कर लेते हैं मिक्सबिलिटी की तो मिक्सबिलिटी इस प्रोडक्ट की परफेक्ट है 15 से 20 सेकंड हार्डली आपको लगेंगे और आपको लम फ्री स्मूथ शेक मिल जाएगा मिक्सबिलिटी में अगर हमें रेट करना होगा तो हम इसे रेट करेंगे फोर आउट ऑफ फाइव स्टार्स बात कर लेते हैं इसके टेस्ट के बारे में तो देखिए टेस्ट इसका हमारे ओपिनियन में ऐसा है कि ना आपको अच्छा लगेगा ना आपको बुरा लगेगा तो एक बीच की रेटिंग हम पकड़ सकते हैं थ्री आउट ऑफ फ़ाइव स्टार्स मतलब ना आपको टेस्ट कहेंगे कि बहुत अच्छा है और ना आप कहेंगे बुरा है ड्रिंकेबल है बट टेस्ट इज़ एवरेज तो हम इसको थ्री आउट ऑफ फाइव स्टार्स टेस्ट में रेट करेंगे तो ये हो गए मिक्सबिलिटी सर्विंग साइज एक्यूरेसी टेस्ट के बारे में बात अब हम क्विकली जो है इसका पॉजिटिव और नेगेटिव भी कवर कर लेते हैं पॉजिटिव नंबर वन क्योंकि इस प्रोडक्ट ने हमारे चारों लेवल के टेस्टिंग को पास कर लिया है इसलिए ये एक ट्रस्टिफाइड सर्टिफाइड प्रोडक्ट हुआ पॉजिटिव नंबर टू फिल्ट्रेशन मेथड डिस्क्लोज है जो कि नेचुरल है पॉजिटिव नंबर थ्री मिक्सबिलिटी इसकी अच्छी है पॉजिटिव नंबर फोर इसमें एडेड क्रिएटीन मोनोहाइड्रेट है वो भी माइक्रोनाइज तो ये हम पॉजिटिव नंबर फोर में बोलेंगे क्योंकि ये एक एडेड बेनिफिट है अब बात कर लेते हैं नेगेटिव की तो सबसे बड़ा इस प्रोडक्ट का जो नेगेटिव है वो है इसका प्राइस देखिए हमने जब इसे ऑर्डर किया था तो बाई वन गेट वन का ऑफर चल रहा था इसका ये जो एक बॉक्स है ये नाइन हंड्रेड एंड टेन ग्राम्स का है तो हमें फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड में इसके दो बॉक्सेस पड़े थे बाई वन गेट वन ऑफर के साथ पर अभी क्योंकि वो ऑफर नहीं चल रहा है तो उनका एक बॉक्स नाइन हंड्रेड टेन ग्राम्स का आता है फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड का देखिए वी आर नॉट सेइंग कि आप यू you नो know, पूरे साल बाई वन गेट वन का ऑफ़र चलाइए पर जब वो ऑफ़र नहीं चल रहा है तो भी प्रोडक्ट एम से थोड़ा सस्ता मिलना चाहिए अभी अगर आप इसका प्राइसिंग देखेंगे 910 हंड्रेड टेन ग्राम्स का एक बॉक्स फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज़ का मतलब इंटरनेशनल ब्रांड से भी ये एक्सपेंसिव हो गया तो ये इसका सबसे बड़ा नेगेटिव है और दूसरा नेगेटिव इसका जो लेबल है उस पर चीज़ें इतनी छोटी छोटी लिखी हुई हैं कि नोटिसिएबल ही नहीं है एक तो बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं ऊपर से बहुत ज़्यादा छोटा छोटा टेक्स्ट लिखा हुआ है मतलब हमने पहले तो नोटिस ही नहीं किया था कि इसमें जो है एडेड क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट भी है तो आई थिंक जो टेक्स्ट हैं और जो इनका जो लेबल है उस पर कंपनी थोड़ा सा काम कर सकती है तो ये कुछ नेगेटिव के बारे में बात हो गई उम्मीद करता हूँ हमारा आज का रिव्यू आपको हर बार की तरह जेनविन और ऑनेस्ट लगा हो अगर ऐसा है तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और अगर आप ये प्रोडक्ट या फिर हमारे द्वारा सर्टिफाई किया हुआ कोई भी प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं तो आप उसे हमारे वेबसाइट के थ्रू लें जो कि है शॉप डॉट ट्रस्टिफाइड डॉट इन एट द एंड जो मैं हमेशा कहता हूँ इफ़ योर सप्लीमेंट इज नॉट ट्रस्टिफाइड दैन इट्स नॉट सर्टिफाइड ट्यू सेफ बी सेफ थैंक यू